स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस द्वारा धर्मशाला पुलिस चौकी के समीप लंगर चलाया गया, जिसमें असहाय और निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराया गया। और गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे देश में किए गए लॉकडाउन पर गरीबों असहायों को खाना के लाले पड़ गए थे, जिसके लिए पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया और कुछ समाज सेवियों की मदद से निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराया गया। धर्मशाला पुलिस चौकी के प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से लंगर चलाया गया, जो गरीबों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। फिलहाल पूरे महानगर में लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है, जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोई ऐसा है जिसको भोजन नहीं मिला हो? डेली मिलता है तो सब भी करो। आपको पुल चाहिए किसी चीज को पकड़ लीजिए, सभी बढ़ते रहते कहाँ घूम रहे हैं यार? जिस काम के लिए उसको देख लीजिए। लगातार चल रहा है लॉकडाउन से, इसके एक दो बार खाना हो जा रहा है। देखिए लगभग 250 से 300 लोग क्या ना एक टाइम में यहाँ भोजन करते हैं, और 550-600 लोग दोनों टाइम मिला के यहाँ भोजन करते हैं। तो किसके सहयोग से चल रहा है? तो ये जन सहयोग से ही चल रहा है, क्योंकि पुलिस की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि अपने ही सामने हमारे जगह है वहीं पे ये भोजन बनता है और स्थानीय जन सहयोग के माध्यम से बिक्री होता है। ये आयोजन लॉकडाउन शुरुआत के पहले दिन से चल रहा है। तो दोनों समय चलता है कहीं समय? नहीं, दोनों टाइम चलता है, दिन में 12 बजे और रात में 8 बजे हम इसके नाम आयोजन करते हैं।